जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी ने यहां पर सरेंडर किया। मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया। जनवरी 2019 से फरार चल रहे थे, खान घूसकांड मामले में फरार चल रहे थे। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वन संवाददाता यादवेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। यादवेंद्र, यहाँ पर पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी ने सरेंडर किया, क्या ये पूरा मामला रहा था? बिल्कुल जैति, ये जो खनन जो मामला था, चर्चित खनन मामला था, घोटाला जो मामला था, जिसमें करीब 2,55,00,000 रुपए से जुड़ा पूरा ये प्रकरण था, जिसके अंदर जो भूमि का जो सामने आई थी कहीं ना कहीं वो आईएएस सिंघवी हैं, जो अशोक सिंघवी हैं। इसके अलावा इनके साथ के 8 अन्य जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी इसमें कहीं ना कहीं भूमिका थी। और जिसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो पूरा मामला था, जिसके अंदर ये भ्रष्टाचार की पूरी जो बात सामने आई थी, वो कहीं ना कहीं ईडी के पास इसके पर्याप्त सबूत थे। और ईडी ने इस मामले में जो था अशोक सिंघवी समेत 8 लोगों को इसमें आरोपी माना था और दोषी माना था, और पर्याप्त सबूतों के आधार पर ईडी लगातार इनकी तलाश कर रही थी और ईडी ने लगातार उनको नोटिस जारी किए थे। अशोक सिंघवी अकेले नहीं है, इसके अलावा 7-8 जने और अन्य भी हैं, जिसमें पंकज गहलोत है, संजय सेठी है, ऐसे 7 जने हैं जिनके खिलाफ यहाँ पर ईडी ने लगातार यहाँ पर नोटिस जारी किए थे, उनको गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर बार बार नोटिस जारी किए थे। मगर तमाम जो लोग हैं अशोक सिंघवी के साथ, वो सभी लोग फरार चल रहे थे। इसके बाद लगातार जो पूरे मामले में को दोषी, पूरे मामले में अशोक सिंघवी को दोषी मानते हुए यहाँ पर जो ईडी की प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है, वो लगातार इनका यहाँ पर पीछा कर रही थी। यहाँ पर उनकी फरारी जो काट रहे थे, उसमें उनकी तलाश थी, मगर जब कहीं कोई रास्ता नहीं बचा तो उसके बाद यहाँ पर आज आईएएस अशोक सिंघवी हैं, जो पूर्व आईएएस हैं, जिन्होंने यहाँ पर जो ईडी की जो विशेष कोर्ट है मनी लॉन्ड्रिंग वाले पूरे मामले में, यहाँ पर सरेंडर कर दिया है। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर खुद ने आकर के यहाँ पर सरेंडर किया है। तो अब जब यहाँ पर जो ईडी की जो टीम है, जब इस अशोक सिंघवी से यहाँ पर पूछताछ करेगी, तो उसके बाद अन्य लोगों से के यहाँ पर उनके मिलीभगत की यहाँ पर जो भूमिका रही है वो सामने आ सकेगी। तो ये बात तय हो गई है, और जिस तरीके से सरेंडर किया जाना है, उसके बाद से तय हो गया है कि इसके बाद अन्य जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मैं जो कोर्ट के अंदर यहाँ पर सरेंडर कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं ईडी की टीम को यहाँ पर जो अशोक सिंघवी से एक बड़े सबूत और मिलेंगे, जिसके चलते यहाँ पर जो ईडी की जो टीम है लगातार वो जो फरार चल रहे जो लोग हैं उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर सकेगी। बिल्कुल जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया यादव जी।